भैया हम लोग 4 दिन 5 दिन से लगातार गांव जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो शहर में हैं और उनका गांव छूट जाता है। इन 4 5 दिनों में जो आप महसूस कर पाए गांव में, आपका अनुभव क्या रहा और क्या परेशानी आपको लग रही है कि जो लोग शहर में रहते हैं उनको होती है वापस गांव लौटने में? घर का काम शुरू हो चुका है, लगभग 1 घंटे हो रहे हैं शुरू हुए, और ये खपरा कहते हैं इसे गांव में, ये निकल गया है। काम कराते कराते 2 से 3 दिन हो गए हैं। आपने घर की हालत पहले देखी ही है, और आज जो घर की हालत है या जितना काम हुआ है वो दिखाता हूँ, और इतना वक्त क्यों लग गया वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ, और एक जो बहुत बेहतरीन काम किया है घर गांव में घर बनाने के अलावा वो भी दिखाता हूँ। एक तो इस वक्त जो घर की स्थिति है, सारे गांव में इसे काण कहते हैं, जो जब छप्पर बनता है तो उसका बेस एक तरह से वही होता है, और ऊपर जो बांस आप देख रहे हैं उसे बाता कहते हैं, जिससे जिस पर ये जो है खपरा को रखा जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे काण थे जो ख़राब हो चुके थे पूरी तरह से, उसे बदल दिया गया, और जो बाता जिस पर खपरा लगता है वो भी इस तरह बहुत ख़राब हो चुके थे, उन्हें भी बदल कर नया लगा दिया गया है, और जहाँ जहाँ दीवार फटे हुए थे उन्हें भी इस तरह मिट्टी से दोबारा छाप कर ठीक करने की कोशिश की गई है। लगभग काम पूरा हो चुका है, जो काम बचा है उनमें क्या क्या है उसमें है, सबसे पहले इस पर अब खपरा लगेगा, और ये जो घर इस वक्त आप देख रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत साफ सफाई होगी। और चीजें जो जगह पर थी पहले जैसा घर था वो लौटेगा। इसके अलावा इसका रंग रोगन का काम, पोचाड़े का काम, क्योंकि मिट्टी के घर में पेंट नहीं होता है, पोचाड़ा होता है जो चूना से होता है, और कलर लगाने के लिए रंग का इस्तेमाल होता है, तो वो होगा तब ये घर इस स्थिति में पहुंचेगा। बहुत दिनों तक घर बंद रहा है, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं टूट फूट गई, कोई डिज़ाइन नहीं है, यहाँ पर लकड़ी थी इस तरह की जो टूट गई है, और यहाँ पर भी लकड़ी थी जो टूट गई है। ये पाइप मैं लेकर आया हूँ लोहे की, जो सीमांकन में काम आएगी, जहाँ मेरा इलाका है उसे घेरने में काम आएगा। हाथ बचा के गांव छोड़ दिया है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि सब छोड़ दिया है, कागज नहीं छूटेगा, कागज नहीं छूटता। पेड़ लगाया है हमने अपने गांव में, ये मेरे घर के ठीक सामने है, और इस पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह मुझ पर है, और ये पीपल का पेड़ जिसकी रक्षा करनी है, इसे बड़ा करना है। मैं तो गांव में नहीं हूँ, मैं
अपनी जिम्मेदारी किसी और को देकर जा रहा हूँ ताकि मेरी गैर हाजिरी में वो इसकी सुरक्षा कर सके। तो इस तरह का एक बाड़ या जो भी कहीं लगा दिया गया है ताकि कोई जानवर इसे खा न जाए। तो ये बहुत इन चार दिनों में सबसे ज़रूरी काम जो मेरे दिल के नज़दीक है, और मैं जब भी आऊँगा तो इस पेड़ के बढ़ने की कहानी आप तक ज़रूर अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करूँगा। भैया हम लोग 4-5 दिन से लगातार गांव जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो शहर में हैं और उनका गांव छूट जाता है। इन 4-5 दिनों में जो आप महसूस कर पाए गांव में, आपका अनुभव क्या रहा और क्या परेशानी आपको लग रही है कि जो लोग शहर में रहते हैं उनको होती है वापस गांव लौटने में? सबसे सुकून देने वाली बात तो ये है कि हम जब गांव में जैसे ही कदम रखते हैं तो हमारी बचपन की पुरानी यादें ताजा होने लगती है। आने वाला नया जो हमारा पीढ़ी है वो पीढ़ी को भी इस चीज से रूबरू कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ की हमारी संपत्ति है जो बनाई गई है उसे बचाना हमारे लिए बहुत बड़ा दायित्व है, और अगर हम उसे बचा पाए तो ये हमारे अपने परिवार के लिए, हमारे अपने कुल के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इन 5 दिनों में मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण रहा, जिसमें मैं और मेरे दोनों भाई पंकज पाठक और विवेक पाठक, साथ में मेरी पत्नी सुगंधा पाठक, मेरे दोनों बेटे बेटी अभिनव प्रकाश पाठक और समृद्धि पाठक, हम लोग 5 दिन में अनवरत सुबह जाकर के शाम को लौट करके और दिन भर वहाँ पर गांव का अपना जो पुराना घर मकान है उसका मरम्मत करना हो या और भी कुछ काम हो उसको हमने निभाया है, निपटाया है। सबों को यही सलाह दूंगा कि अपने पूर्वजों के बनाए हुए चीज को बरकरार रखें, उसे बचाएं और उसे यथासंभव बढ़ाने का प्रयत्न करें। मैं इन 5 दिनों का अनुभव मेरे लिए ही बहुत ही जीवन का अच्छा अनुभव रहा, और कैसे 5 दिन बीत गया हमें पता ही नहीं चला। और कल हमारे दोनों भाई रांची जा रहे हैं, इसका हमें थोड़ा सा मन में थोड़ा मलाल भी है कि अभी कुछ दिन और ये लोग रहते हमारे बीच में, और जैसे ही आज काम खत्म हुआ लेकिन शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इनको भी छुट्टी लेकर के आना पड़ा, और सारा काम निपटाने में आज हमारा 5 दिन हम लोगों के बीच में रहे। हमारे बच्चे हमारे घर के लोग बहुत खुश हैं। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि इसी तरह अपने जो भी पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करते हुए और उसको उनको पुरानी यादों के साथ आदमी को जीना सीखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इंसान के जीवन में, एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐतिहासिक पल है। और जो नई जिंदगी शहर की है वो तो खैर है ही, लेकिन गांव की ओर रहना और पुरानी यादों को जोड़ना और उन कड़ियों को मिलाना और दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करना कि हम शहर में रह कर के भी गांव से दूर नहीं है, उस गांव के लोगों से दूर नहीं है, बहुत करीब हैं, उन लोगों की खुशी को 4 चांद लगाना ये बहुत ज़रूरी है। और हम ऐसा कर सकते हैं, केवल हमें ध्यान देने की ज़रूरत है दिल में, उन लोगों का स्थान हमारे दिल में है, था है और रहेगा। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ।